सीधा रुख कर लेते हैं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है, ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लई टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, ढाई महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेडे टोल प्लाजे अजे नहीं बंद हुए पंजाब में सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तरीक को। जिन्हें भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तरीक को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद होगा। ये 12 तरीक का फैसला है। 14 तरीक के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे मतलब डीसी दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि अंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के दफ्तर लीडरों के घर आगे धरने भी जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इस पूरे संगठन की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है, पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। बीएस राजेवाल जी हमारे जो कल प्रपोजल आए थे जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तरीक को रह गई थी, जिहड़ी जयपुर से दिल्ली नू रोड आ रहा वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राजेवाल कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर एक एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है, आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। तो किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। किसान नेताओं का कहना है ये जो कानून है किसान हितैषी नहीं है, ये कानून कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, यानी कि किसान इस बिंदु को पकड़कर बैठे हैं। साथ ही साथ किसानों का कहना कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लिया जाए, 6 महीने तक हम गेहूं उगने का इंतजार करते हैं बीज डालने के बाद, तो हम कितने दिन बैठ सकते हैं इसका अंदाजा शायद नहीं है सरकार को। साथ ही साथ किसानों ने सरकार के उस बिंदु का भी जवाब दिया जिसमें बातचीत के लिए कहा जा रहा था। किसान नेताओं का कहना है कि हम बातचीत के लिए तब जाएं जब सरकार के प्रपोजल में किसानों की बात मानी गई हो। प्रपोजल में इतने सारे संशोधन हुए हैं कि उन्हें मानना संभव नहीं है, तो अन्नदाता अड़े हुए हैं। और साफ कहना किसान नेताओं का कि सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है, वहीं किसान नेताओं का कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की ईगो है। पहले सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो बिंदु रखे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन सभी बिंदुओं का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हुए किसान नेता और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ कई और हाईवे हैं, कई और ऐसे सड़क मार्ग हैं जिन्हें जाम करने की रणनीति भी किसान नेताओं ने बनाई है।